हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, आज का एपिसोड बिग बॉस का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में दोस्तों आपको तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े और कुछ बड़े फैसले बिग बॉस के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूँ आपको कि क्या कुछ होने वाला है आज के एपिसोड में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने भी इस हफ्ते के नॉमिनेशन से सेव करने के लिए रूबीना को वोट करने का फैसला किया है या रूबीना को वोट किया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा करके वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रूबीना दिलेक के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप वो नाम जरूर बताइए जिसे आपने इस हफ्ते नॉमिनेशन से सेव करने के लिए वोट किया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मालूम चले किसके लिए कितने लोग वोट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और वोट कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आपको बता दूं दोस्तों कि आज का बिग बॉस का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, और साथ ही आज का कुछ बिग बॉस के द्वारा कुछ कड़े फैसले भी बिग बॉस लेते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि हमने देखा कि बीते हुए एपिसोड के दौरान से ही कविता कौशिक को परेशान, यानी उनकी कैप्टनसी को ख़राब करने के चक्कर में अभिनव, एजाज और अली गोनी ने पहले तो चोरी कर लिया ड्रिंक, और उसके बाद दोस्तों वो फिज का जो था वो कैन चोरी कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि वो एपिसोड जब वो रात ख़त्म हुई, उसके बाद अगले दिन रूबीना, अली गोनी, जसमीन वसीन और अभिनव इन चारों रूमीन के फिर से चोरी कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें नियम का उल्लंघन करती है, और कहीं ना कहीं रूबीना दिलेक और जसमीन वसीन के साथ अगर अली गोनी और अभिनव ये करने की सोच रहे थे, या अभिनव के लिए भी अगर वो इतनी समझदारी वाली बात करते हैं, हालांकि उनको कैप्टनसी खराब करनी थी, तो ये कहीं ना कहीं वाजिब बनता है गेम के तौर पर, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ें शायद नहीं करनी थी, ऐसा वीकेंड पे सलमान खान जरूर बोलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस हफ्ते जो ये चीज़ें कांड हुई हैं उसके बाद बिग बॉस को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती हैं, और बिग बॉस सबको बुलाते हैं लिविंग एरिया में, और उसके बाद जो फटकार लगाने वाले हैं बिग बॉस वो खतरनाक लगने वाला है। लेकिन बिग बॉस ये नाम बिल्कुल नहीं बताते कविता कौशिक को, वो उनको एक अधिकार देते हैं कि अब जो भी इस घर में पनिशमेंट हुई, जो अनुशासनहीनता हुई है, उसके लिए कविता उस कंटेस्टेंट को दंड दे सकती है जिससे जिनके द्वारा उनको लगता है कि अनुशासनहीनता हुई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कविता को बताया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे जो उनके साथ यानी निक्की, वो काफ़ी चीज़ें देखी हुई होती हैं, तो वो एक एक करके बता रही होती है कि किसको क्या पनिशमेंट देनी है। हालांकि दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि अगर मालूम नहीं चला होगा तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें दिखाई नहीं गई थी और देखी नहीं थी कविता ने, तो पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको बता दूँ कि बिग बॉस कि इस फैसले के बाद कविता को बोला जाता है कि आप उनके निजी सामान को, एक डस्टबिन बनाया गया है गार्डन एरिया में, वहाँ पे आप उस किसी मतलब सबके जो आपको लगता है कि जिन्हें दंडित करना है आपको, उसके निजी सामान को वहाँ पे जाके डाल दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों वो जब कविता अली गोनी का डालती हैं ट्रिमर, उसके बाद वो बौखला जाते हैं और वो अपना आकर के हटाते हैं। तो हटाने के बाद जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे किसी का दंड नहीं मानूंगा, जिसको जो करना है कर लो, कौन हो तुम, कुछ बोलते हैं बेवकूफ़ या मूर्ख जैसी कुछ बातें बोलते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से आती है कविता और बोलती है कि मैं इस गेम में तुम्हारी बाप हूँ। तो अब यहाँ पे गेम की कॉन्टेक्स्ट में बाप बोला गया है या फिर बाप बाप बोला गया है, ये चीज़ें वहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत होगी आने वाले एपिसोड के दौरान। अब यहाँ पे ये चीज़ सुनते ही अली गोनी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, जिसके बाद वो तोड़फोड़ मचा देते हैं और बिग बॉस की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की एकदम कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान बिग बॉस के जो वो डस्टबिन था उस पर हाथ रखती हुई नजर आती हैं कविता, और वहाँ पे जब वो हिट करते हैं अपने पैर से तो कविता को भी चोट लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद कविता काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बनता भी कविता का, इसको कोई हम लोग ओवर एक्टिंग या ओवर ड्रामा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको चोट भी लगी है और ये थोड़ी ज़्यादा ही अटैकिंग हो जाती हैं। इसके वजह से वो डिमांड करती है कि उनको घर से अभी के अभी फेंका जाए, वो इस जैसे ही अली गोनी जैसे हिंसक प्रवृत्ति आदमी के साथ नहीं रह पाएंगी घर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने घर से बाहर फेंकने की बात की, ये सुनते ही रूबीना शॉक हो जाती हैं जो उधर से निकल रही होती हैं, और यहाँ पे दोस्तों
जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब बिग बॉस क्या सजा देते हैं, क्या उनको घर से बाहर फेंका जाता है या फिर घर से बाहर करने के लिए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम दोस्तों आपको अगली ही वीडियो में बता देंगे कि बिग बॉस ने क्या कुछ पनिशमेंट दिया है, साथ ही साथ दोस्तों आपको लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड अभी फिलहाल क्या है वो भी दोस्तों मैं आपको अगले वीडियोज में बता दूंगा, जैसे कि मुझे पहली वोटिंग ट्रेंड मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना भूले। अगर आपने अभी रूबीना को वोट करने का फैसला किया है, बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।